हमने एक अभियान चला है वृक्षारोपण का अभियान, और लगभग लगभग पुलिस बलों द्वारा 20, 21 और 22 होकर अब तक 3 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं और इसी वर्षा में और 50 लाख पौधे हम रोपेंगे। परंतु मेरा आप सभी से आग्रह है कि संस्थागत रूप से सर्कुलर का पालना करने के लिए पौधा रोपना, और बड़े भाव से इसको मैंने लगाया है, मैं बड़ा करूंगा, ये जवान के मन में इस प्रकार की संवेदना खड़ी करना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा आप सभी से आग्रह जो सीनियर अफसर यहां पर बैठे हैं कि जवानों के मन में ये संवेदना खड़ी करने की जिम्मेदारी अफसरों की है। डिसिप्लिन फोर्स है, एक सूचना आएगी, सब लोग लगा देंगे, यांत्रिक तरीके से वो बड़े भी होते जाएंगे, परंतु एक जवान अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो उसके मन के अंदर अनेक प्रकार के जो विकार, इतने परिवार से दूर जॉब करने के कारण खड़े होते हैं, इसको कम करने में ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हमें फायदा होगा। ये वृक्षारोपण अभियान जब शुरू किया, साहिल जी हम बैठे हैं, उस वक्त हमारा सोच एक तो था ही कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, हमारे कामकाज की जगह पर अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ ये भी था कि एक रचनात्मक सोच के कारण, एक हकारात्मक सोच के कारण, सकारात्मक सोच के कारण मानव के स्वभाव में जो परिवर्तन आते हैं और एक प्रकार की सेटिस्फेक्शन की भावना, जो संतुष्टि की भावना, संतोष की भावना खड़ी होती है, उसको भी कहीं ना कहीं गति देना चाहिए। तो आज सीएपीएफ के जो अधिकारी यहां उपस्थित हैं, वे सबसे मेरा आग्रह है कि इसको एक सरकारी कार्यक्रम न माना जाए। हर जवान का एक वृक्ष के साथ लगाव होना वो उसके जीवन को बदलने वाला होता है, इस पर हम आग्रह दें और जवानों को भी इस दिशा में हम प्रेरित करें।